आज दिनांक 4 फरवरी 2024 को इस्कॉन मुरादाबाद द्वारा श्री श्री कृष्ण बलराम रथ यात्रा का आयोजन किया गया। रथ यात्रा का शुभारंभ 1 बजे गवर्नमेंट कॉलेज मुरादाबाद से हुआ। यात्रा का प्रारंभ मुख्य अतिथि ने दीप प्रज्वलित करके तथा नारियल फोड़कर किया। इस अवसर पर नरसिंह भगवान की आरती भी की गई। यात्रा प्रारंभ स्थल पर सभी भक्तों को भोजन प्रसाद भी वितरित किया गया। नगर मुरादाबाद के साथ साथ बाहर से आए हजारों भक्तों ने भगवान को भोग लगाया, भोजन प्रसाद ग्रहण किया। गाजियाबाद से पधारे श्री श्री कृष्ण बलराम भगवान को बहुत सुंदर रूप में फूलों से सजाकर भक्तों ने बहुत ही प्रेम से रथ में बंधे रस्सी से खींचा। सभी भक्त हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे गाते हुए भाव विभोर पूर्ण नृत्य करते हुए वातावरण को कृष्णमय बनाते हुए चल रहे थे। श्री श्री कृष्ण बलराम रथ यात्रा गवर्नमेंट कॉलेज से प्रारंभ होकर फेजगंज, पानदरीबा, मंडी चौक, बर्तन बाजार, अमरोहा गेट, चौमुक्का पुल, जैन मंदिर, अंबेडकर पार्क, कमिश्नर निवास रोड होते हुए MIT कॉलेज रामगंगा बिहार मुरादाबाद पहुंची। यात्रा ने MIT कॉलेज पर विश्राम लिया। यात्रा के समापन स्थल पर MIT कॉलेज पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम किए गए। इस अवसर पर यात्रा के समापन स्थान पर MIT कॉलेज पर भी सभी भक्तों के लिए भोजन प्रसाद की व्यवस्था की गई थी। इस रथ यात्रा में दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, रुद्रपुर, रामनगर आदि विभिन्न क्षेत्रों के इस्कॉन भक्तों ने भाग लिया। इस यात्रा में इस्कॉन मुरादाबाद के बहुत सारे भक्तों ने सेवाओं में सहयोग किया। जनरल सेक्रेटरी सुंदर गोपाल दास, आदिकर्ता दास दिल्ली और गाजियाबाद से आए। इसके अलावा मुरादाबाद इस्कॉन प्रबंधक उज्जवल सुंदर दास, समर्पित गौर दास, अरुण उदय प्रभु, अनिकुल हेग्रीव दास, सरन प्रिय दास, सचिनंदन दास, राधिका माधव दास, सहदेव दास, अचिंत्य कृष्ण दास, मोहित अग्रवाल आदि रहे। उक्त जानकारी मीडिया प्रभारी राधा कांत गिरधारी ने दी। मेरा नाम उज्जवल सुंदर दास है और आज इस अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण महानवमी संघ इस्कॉन मुरादाबाद की तरफ से आज श्री श्री कृष्ण बलराम शोभा यात्रा निकाली जा रही है। कहाँ से निकाली गई है? ये गवर्नमेंट इंटर कॉलेज से लेकर के और MIT तक हम लोग यात्रा निकाल रहे हैं और ये हर साल की भांति इस साल भी निकल रही है। और श्री प्रभुपाद जी की कृपा से पूरी दुनिया में लगभग हमारा 600 से लेकर 800 मंदिर है। हम लोग भगवान का लोगों को दर्शन करते हैं क्योंकि कई भी लोग समाज में ऐसे हो गए कि लोग भगवान का दर्शन करने के मंदिर आते हैं। आज ऐसा दिन है कि भगवान खुद आ रहे हैं दर्शन देने के। और इस यात्रा का देखिए उद्देश्य है कलयुग जो है कि कलयुग में एकमात्र नाम ही एक आधार है जिसकी वजह से लोगों का हृदय पवित्र हो सकता है। और दूसरी बात सबसे बड़ी बात है कानून लोगों के हृदय में एक डर पैदा कर सकता है लेकिन पाप करने की प्रवृत्ति नहीं खत्म कर सकता। पाप करने की प्रवृत्ति हमारी टेंडेंसी वो हरे कृष्ण महामंत्र से सुनकर के लोग हृदय शुद्ध होगा तो उससे लोग पाप करने की प्रवृत्ति छोड़ेंगे तो समाज के लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। बहुत ही बढ़िया प्रशासन का सहयोग रहा। पुलिस प्रशासन का रास्ते हम लोग 3 थाने का सारे पुलिस लोग सहयोग किए। बहुत अच्छा सहयोग किया।